अपनी कंपनी में रुपए इन्वेस्ट कर रुपयों को डबल करने का लालच देकर कई लोगों के साथ ठगी करने वाले एक जालसाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाश अब तक कई लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। दरअसल मामला इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र का है, जहां शातिर जालसाज को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बदमाश पहले पुणे सहित अन्य शहरों में आईटी कंपनी में काम करता था। 2017 में इंदौर आया और ईजी सिक्योर नाम से कंपनी खोली। वहीं यह कंपनी कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाने का काम भी करती है। कंपनी के मालिक ने लोगों को लालच देकर रुपए लगवाए और उन्हें दोगुना करने का विश्वास दिलाया, जिसके बाद कई लोगों ने कंपनी में पैसा लगाना शुरू किया। कुछ समय तो सब ठीक चला, लेकिन बाद में लोगों के पैसे मिलना बंद हो गए और बदमाश भी कई लोगों को लाखों का चूना लगाकर भाग निकला। बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भगवान बसंत नाम का एक व्यक्ति था, जो पहले आईटी कंपनियां चलाता था, पुणे में, गुजरात में, कई जगह आईटी कंपनी भी चलाई उसने। उसके बाद में 2017 में इंदौर आया ये अपनी पत्नी कुमारी खुशबू के साथ में। इसने इजी सिक्योर नाम से कंपनी खोली, जिसमें लोगों काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाता था, ये सैनिटरी पैड वगैरह और खाने पीने का जो राशन है ये सारी चीज़ें बनाता था, टॉयलेट क्लीनर। और इसको फंड इकट्ठा करना था, तो इसने लोगों को लालच दिया कि आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, तो आपको इन्वेस्ट करोगे तो 6 माह में 2 से 3 गुना पैसा वापस मिलेगा, और मैं जो कंपनी का प्रोडक्ट बना रहा हूँ ये प्रोडक्ट भी आपको कम रेट में मिलेंगे, तो आप अपने घर पे मिनी मार्ट खोल सकते हो मेरे प्रोडक्ट से, और आपको रेगुलर सप्लाई दूंगा मैं कम रेट में। इस प्रकार लोगों को लालच दिया, लोग लालच में आकर इसकी कंपनी में रुपया निवेश किया। स्टार्टिंग में इसने जैसा बताया था वैसा अच्छा रिटर्न दिया लोगों को, तो लोगों को विश्वास हो गया। विश्वास में आकर लोगों ने अपने परिचितों को जानकारी दी और इन्हें पेपर में भी काफ़ी सारे इश्तिहार दिए। इस प्रकार लगभग 100 से ज़्यादा लोगों ने इनकी कंपनी में निवेश किया है और करोड़ों रुपए निवेश किए हैं। ज़्यादा अभी लगभग 25 से 30 शिकायतें अपने पास आ चुकी है। FIR भी कायम हुई थी 3 महीने पहले, तब से भगवान बसंत अपनी कंपनी बंद करके फरार हो गया था। अभी दिनांक 30 नवंबर को इसको पुणे से गिरफ्तार किया है हम लोगों ने। आज भी एक आरोपी इसमें और गिरफ्तार हुआ है, भगवान बसंत का ही साला है, पटना का रहने वाला। ये भी कंपनी में साथ में था, इसके आता रहता था और लोगों से निवेश करवाए हैं इसने भी। क्या नाम है? इसका नाम है गौरव उर्फ गोलू। क्या करता है? ये मेडिकल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसका भगवान बसंत का भी इसी टाइप का काम था, मास्क और ये सारी चीज़ों का, तो इस प्रकार से वो भी इसको सपोर्ट कर रहा था। दोनों जीजा साले, पत्नी, कुछ अन्य साथी भी है जो फरार हैं इसके, रविंद्र पोदार, ईश्वर पाटीदार, जिनकी भी तलाश जारी है। सबके विरुद्ध इनाम उद्घोषणा SP साहब ने 10,000 की कर दी। ब्यूरो JSR टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।